मेरा कॉल। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप फ्रेंड्स आप सब अच्छे होंगे। तो मैं अभी सुबह सुबह जो है मॉर्निंग वॉक के लिए आई हूँ। तो यहाँ पे आप मेरे पीछे देख सकते हैं, उधर का व्यू बहुत ही ब्यूटीफुल सा व्यू है, ये देखिए। और वहाँ आपको मैं दिखाती हूँ, ये एरिया आपने बहुत बारी देखा होगा। तो फ्रेंड्स देखिए कितना खूबसूरत है, सुबह का व्यू है और मौसम काफ़ी ख़राब है इस वक्त। तो मैं आपको दिखाती हूँ, मैं काफ़ी दूर आई थी और यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँगी। यहाँ पर अभी दूध निकालेंगे। तो सुबह सुबह का जो व्यू है ना फ्रेंड्स, बहुत ही खूबसूरत होता है और बहुत ही शांति मिलती है। तो ये देखिए, और यहाँ आप पीछे देख सकते हैं, अभी दूध निकालेंगे। देखिए गाय से भी दूध निकाला जा रहा है यहाँ पे। ये देखिए, ये गाइस यहाँ पे कुछ भैंसे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो अभी हमें जाना है घर। सुबह सुबह का जो व्यू होता है ना गाइस, आजकल बहुत सुकून मिलता है गर्मी के मौसम में जब सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे निकलते हैं। तो यहाँ देखिए आजकल झाड़ियाँ बहुत सारी काटी हुई है, सफाई हो रही है रोडों की। ये है हमारा हॉर्टिकल्चर का नीचे, ये देखिए यहाँ पे है हमारा हॉर्टिकल्चर का ऑफिस फार्म, जहाँ पे जो है लोगों को बहुत सारी दवाइयाँ वगैरह सब्सिडी मिलती है। तो गाइस सुबह का मौसम है, ये देखिए कितना क्लाउडी हुआ है और ये आप देख सकते हैं। और मुझे लगता है कि दिन के समय जो है काफ़ी बारिश होगी, आजकल डेली का जो मौसम का है बारिश हो रही है दिन भर। तो आज भी मुझे लगता है कि 2 बजे के बाद जो है डेली बारिश हो रही है यहाँ पे। तो आज भी लगता है कि बारिश होगी, ये देखिए उधर बारिश हो रही है अभी। तो और काफ़ी ठंड भी हो गई है। तो ये देखिए आप व्यू यहाँ का, बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा, सुबह सुबह जो है बहुत खूबसूरत सा व्यू होता है गाइस। चिड़ियों का चहकना सुन सकते हैं आप। चलो जी, तो अभी मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट और अंजुल के लिए लंच, स्कूल के लिए लंच। तो फ्रेंड्स अभी मैं हूँ रूम में और आज जो है अंजुल अस्वस्थ हो गई है, पिछले 2 दिनों से ये अस्वस्थ चली हुई है। तो मैं आज इसको स्कूल भेज रही थी, तो स्कूल जाने के लिए मैंने इसका जो लंच है वो पैक कर लिया था, लेकिन ये नहीं जा पाई और इसको काफ़ी फीवर था अभी और पेट भी काफ़ी दर्द कर रहा था, तो मैंने इसको स्कूल नहीं भेजा। तो आज की भी इसकी छुट्टी हो गई, कल की भी इसकी छुट्टी थी। तो अभी जो है लेटी हुई है, ये यहाँ पे बीमार है और काफ़ी फीवर भी है, अभी भी फीवर है। दवाइयाँ भी लाई थी इसको परसों, तो लेकिन दवाइयों से भी इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो आज मैं देखती हूँ कि आज अगर ये ठीक होती है उन दवाइयों से तो ठीक है। 3 दिन हो गए हैं, इसने कुछ भी नहीं खाया है, बनाना के सिवा बनाना खाया था, पर आज तो वैसे भी इसने कुछ नहीं खाया। तो गाइस हमने यहाँ पे अभी कुछ तौलियों से घास निकाला और गाय के लिए भी घास मैंने निकाल दिया है। और ये देखिए मेरी हालत अभी क्या हो गई है, बहुत पसीना ही पसीना हो गया है। ये होते हैं मेहनती लोग जो पसीना निकालने के खेत आ जाते हैं। तो अंजुल को मैं दिखाऊँ, अंजुल भी आई हुई है अभी, अंजुल काफ़ी ठीक है। तो अंजुल अभी वहाँ पर बैठी हुई है, तो ये अभी काफ़ी बेटर फील कर रही है। तो ये भी अभी थोड़ा घूमने आई थी खेत को। और ये देखिए ये है तौलिए। तो यहाँ पे गाइस मैं आ गई थी खेत को और मैंने अभी ये देखिए हमने कुछ तौलिए साफ किए साथ में और ये घास निकाला कुछ वहाँ पे पड़ा हुआ है।
यहाँ मैं निकाल रही हूँ बंद गोभी के एक पौधे जो कि मुझे अभी लगाने हैं सब्जी। और यहाँ पे मैंने नर्सरी बीजी हुई थी तो ये बहुत छोटी छोटी है, बारिश की वजह से बारिश ने जो है सब कुछ ख़राब कर दिया है, तो ये पौधे भी बारिश ने ख़राब कर दिए थे, बहुत ज़्यादा मोटी बारिश हुई। यहाँ मुझे जो मिट्टी है उसको थोड़ा ठीक करना है, वैसे तो हमने कुछ दिन पहले खोदा हुआ था पर छोटी छोटी घास इसमें आ गई है, तो मुझे थोड़ा बहुत पौधे लगाने के लिए ठीक करना है ताकि मैं इसमें पौधे लगा सकूं। और जो कुछ पौधे मैंने वहाँ पे पीछे जो है मेरे पीछे आप जैसे देख सकते हैं कि वहाँ मैंने पौधे लगा दिए हुए हैं बंद गोभी के। तो गाइज मैं यहाँ पे जो है पौधे लगा रही हूँ जैसे कि आप देख रहे हैं, और तो ये जो मेरे पौधे हैं ये जो बंद गोभी है मेरी तैयार होके आएगी दिसंबर तक, सर्दी के लिए ये बिल्कुल रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पे जो मैंने कुछ दिन पहले लगाई थी तो मैं इसकी निंदाई कर रही हूँ, यहाँ पे ये भी बंद गोभी के पौधे हैं, ये हो रही है निंदाई बंद गोभी के पौधों की। गाइज बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ही ज़्यादा। हमारी जापानी फल कच्चे खाने वाला है, मीठा, इसको हम कच्चे में भी खा सकते हैं पर अभी बहुत ही ज़्यादा छोटा है। देखिए बहुत ज़्यादा हमारे जापानी फल लगे हुए हैं पर ये मिलने वाला नहीं है क्योंकि इसको जो है भालू ने ही ख़त्म कर देना है। गाइस ये देखिए हमारे सेबों में फिर से बाहर आ गई है, फूल आ गए, ये देखिए शायद सर्दी के लिए हमारे पेड़ों में फिर से जो है फल आने वाले हैं। तो फ्रेंड्स शाम हो चुकी है और अब मैं अपना व्लॉग जो है यहीं पे एंड करती हूँ क्योंकि अंधेरा होने वाला है और मेरी वीडियो जो है बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए अभी आज का जो व्लॉग है यहीं पे एंड करती हूँ। तो फ्रेंड्स यदि आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ करके लाइक शेयर और कमेंट्स भी ज़रूर कीजिए फ्रेंड्स, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ करके सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो फ्रेंड्स यदि आपको मेरा व्लॉग अच्छा भी ना लगे तो प्लीज़ करके लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा साथ में, ना चाहते हुए भी कर ही लीजिएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय, टेक केयर।